हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मदार पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बैटरी की अगर ग्रेविटी गिर जाती है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा ताकि हमें जो है उस बैटरी को घर पर ही ग्रेविटी उठा ले। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखना, और आपकी हमेशा कभी भी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बैटरी डाउन हो जाती है, फिर इन्वर्टर से चार्ज नहीं होती है, हमें ढोबा ढाई करना पड़ती है, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीन बातों की जिससे हमारी बैटरी की ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, गिर जाती है। नंबर वन, जब बैटरी में वाटर पूरा कम हो जाता है फिर हम बैटरी में वाटर डालते हैं, तो सबसे मेन कारण होता है यही बैटरी की ग्रेविटी कम करने का, गिराने का, क्योंकि तेजाब की मात्रा कम हो जाती है और वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसलिए बैटरी की ग्रेविटी गिर जाती है, फिर हमारा इन्वर्टर उसको चार्ज नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कभी भी वाटर कम हो, थोड़ा थोड़ा सा कम हो, डालते रहें। दूसरी जो मेन चीज़ है दोस्तों, जब हमारा इन्वर्टर सीटी मार देता है, बैटरी डाउन दिखा देता है फिर भी बैटरी लो दिखा देता है, उसके बाद भी हम कई बार उसको क्लिक करके ऑन करके उसको चलाते हैं, या फिर अन्यथा हम बैटरी वाली कोई चीज़ चलाते हैं ताकि बैटरी की ग्रेविटी जो है बिल्कुल डाउन हो जाती है और जीरो हो जाती है, फिर इन्वर्टर चार्ज नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। और तीसरी जो मेन कारण होता है दोस्तों, जैसे कि हम बैटरी जब इन्वर्टर डाउन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम से नहीं है, जब इन्वर्टर डाउन होता है बैटरी लो दिखाता है तो वो उस हद तक बैटरी को डाउन करता है जिस हद तक उस बैटरी को वो चार्ज कर सके, लेकिन जब हम बैटरी वाले फैन, बैटरी वाली लाइटें, कई लाइटें जलाते हैं तो उसके वोल्ट कम हो जाते हैं, और इन्वर्टर की सेटिंग जो होती है वो वोल्ट से होती है, तो इसलिए आप कभी भी बैटरी लो होने पर इन्वर्टर को इस्तेमाल ना करें, बैटरी को इस्तेमाल ना करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्जर जो है वो कौन सा बनवाया जाए ताकि हमारा बैटरी चार्ज हो सके, बैटरी की ग्रेविटी कैसे घर पर उठाएं, आसान तरीका है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करिए और आपकी घर पर ग्रेविटी उठ जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर आप चार्जर नहीं लेना चाहते तो किस किस स्टेप से आपकी बैटरी की ग्रेविटी उठ जाएगी देखते रहिए। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि नीचे जो लाल बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों से ना छूटे, मिस ना हो दोस्तों, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना एक बार शोरूम दिखा देता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसी बात बताऊंगा जो मेरे पर गुजर चुकी है और बूस्ट मैंने बात का सॉल्यूशन निकाला है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ये मेरा जो शोरूम है मदार बैटरी पूरनपुर के नाम से दूसरा चैनल है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करिए, सर्च करिए, उस पर ऑर्डर वगैरह हो जाएंगे। यहाँ पर इन्वर्टर है दोस्तों, यहाँ पर एक्साइड की बैटरी है। और दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूँ, फिलहाल तो जैसे कि जो बाइक की बैटरी होती है, जो छोटी बैटरी होती है, ट्रैक्टर वाली बैटरी होती है, कार वाली बैटरी होती है, जब उनका स्विच खुला रह जाता है तो उनकी ग्रेविटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, गिर जाती है। उसके लिए आपको ये चार्जर ले लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको 600 रुपये खर्चा करना होंगे, 6 एम्पियर का चार्जर, लेकिन हम कभी भी इसको 4 और 6 के बीच में चलाएंगे जिससे हमारा चार्जर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये सिलेक्टर है, आप लोगों को पता है। और दोस्तों, ये भी आपकी बैटरी की ग्रेविटी उठा सकता है, इन्वर्टर वाली बैटरी की बोल्ट पूरे कर सकता है ताकि आपका इन्वर्टर काम करने लगे। मेरे हिसाब से हर घर में ये इस छोटा सा चार्जर होना चाहिए जिसकी कॉस्ट ओनली 600 रुपये, 600-700 रुपये, ज़्यादा का नहीं। दोस्तों, ये तो है जैसे कि इस टाइप की बैटरी हो गई, या फिर कार वाली हो गई, या फिर बाइक वाली हो गई, उस टाइप के लिए ये सही रहेगा, ठीक है। अन्यथा जैसे कि ये बैटरी होती हैं या फिर बड़ी बैटरी होती हैं, टाल ट्यूबलर इन्वर्टर वाली बैटरी होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखी है, एक ईस्टमैन की है, स्पीड की है, ई रिक्शा की है, मसीमो की है, अपैक्स की है, और इन्वालाइट की है। ये दोस्तों चार्जिंग होने के लिए बैटरी आई हैं, और अभी इस टाइम जो दिन में बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही गेहूं के चक्कर से, इसलिए मैं दोस्तों यहां पर रात में चार्जिंग करता हूं। दोस्तों, अगर आपको बैटरी की शॉप है, बड़ी बैटरी चार्ज करना है, तो आपको इस टाइप का चार्जर लेना होगा, जिसके लिए आपको कॉस्ट जो खर्चा आएगा वो 1800 से 2500 रुपये की रेंज में होता है। 8 नंबर कोर है दोस्तों समथिंग, और इसमें एक वोल्ट मीटर है कि हमारी बैटरी, हमारी जो एसी वाले वोल्ट हैं कितने आ रहे हैं। उसके दूसरे 40 एम्पियर का एम्पियर मीटर है चार्जिंग वाला, जिसको हमारा जो है वो 20 एम्पियर पे हमें जो है चलाना है। ये एक सिलेक्टर है और एक सिलेक्टर ये है, प्लस माइनस के दो निशान है, ठीक है। ये है बहुत अच्छा चार्जर है, ये जो है किसी भी गिरी हुई बैटरी की ग्रेविटी आसानी से 12 घंटे में उठा सकता है, ठीक है। 0-1100 ग्रेविटी से 1250-1300 ग्रेविटी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमें प्लस माइनस करके इसकी सीरीज में लगा देना है और हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये कॉस्ट पड़ेगा 2000 से प्लस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप इस टाइप का भी चार्जर नहीं लेना चाहते हो, और दोस्तों आप इस टाइप का भी चार्जर नहीं लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। उसके लिए सिंपली दोस्तों, आपके घर पर एक पैनल होना चाहिए, 50 वाट, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट, क्योंकि पैनल की चार्जिंग भी बैटरी की ग्रेविटी उठाने में बहुत ज़्यादा मतलब सही होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पैनल जो है वो लगातार चार्जिंग करता है, कोई कट नहीं करता, ना कोई बोल्ट से मतलब होते हैं जब तक कंट्रोलर नहीं लगा होगा।
तो दोस्तों इस टाइप से है। और आप लोग, मैं तो पहली बात तो मैं कहूँ दोस्तों, अगर आपकी बैटरी पुरानी हो गई हो तो आप इस डिस्टिल वाटर का यूज़ ना करें। अगर आपकी बैटरी ज़्यादा पुरानी हो गई है तो आप जो है किसी भी दुकान पर जाएं, आप एसिड लेकर आएँ 1150 या फिर 1200 ग्रिप्टी का, और पुरानी बैटरी का एसिड निकाल दें और उसमें डालकर दोस्तों फिर से लगाएं, ठीक है। तो आपकी बैटरी की फुल चार्ज ग्रिप्टी हो जाएगी। और 1% में वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।